Students, this is Ajit Singh from AJBL's International School, Chika. Today we are going to read fourth chapter of SST of fourth class. The name of the chapter is Northern Plains, first part. In this chapter, we will learn about the Satluj Basin and the Ganga Basin. So let us read. The Northern Plains, also known as the Indo-Gangetic Plains, cover a vast region of northern and eastern India. जो northern plain है जिनको Indo-Gangetic Plain भी कहा जाता है, ये northern और eastern India का काफ़ी बड़ा area जो है वो cover करते हैं. They are fertile plains formed by the sediments brought down by the river Satluj, Ganga, Brahmaputra and their tributaries. ये बहुत ज़्यादा यहाँ की जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ है, क्योंकि यहाँ पर जो सतलुज, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उसकी जो सहायक नदियाँ, ट्राइब्यूटरीज का मतलब होता है सहायक नदियाँ, उसकी जो उनकी इन नदियों की जो सहायक नदियाँ हैं ये अपने साथ काफ़ी उपजाऊ मिट्टी लाती हैं और इन प्लेन्स में ला के बिछा देती हैं, इसलिए ये काफ़ी फर्टाइल हैं. द Indo-Gangetic Plains रन पैरेलल टू द हिमालयाज. जो ये Indo-Gangetic Plain है ये हिमालयाज के पैरेलल हैं बिल्कुल. फ्रॉम लद्दाख ऑन द वेस्ट टू असम ऑन द ईस्ट. ये वेस्ट से लद्दाख से लेके ईस्ट में असम तक है. सिंस द सोयल इज़ वेरी फर्टाइल, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है काफ़ी उपजाऊ है. इट हेल्प्स इन ग्रोइंग वीट एंड राइस. तो यहाँ की मिट्टी में ज़्यादातर वीट, गेहूँ और चावल जो है वो उगाया जाता है. द प्लेन्स कवर पार्ट ऑफ पंजाब. इन प्लेन्स में कौन कौन से स्टेट आते हैं? पंजाब हैं, हरियाणा हैं, दिल्ली हैं, उत्तर प्रदेश हैं, बिहार हैं, वेस्ट बंगाल एंड असम. सो यहाँ पर ट्रिब्यूटरी, मैंने जैसे कि कहा है कि सहायक नदियाँ होती हैं. ट्रिब्यूटरी इज़ एनी रिवर ओन और स्ट्रीम दैट जॉइंस विद द मेन रिवर. जो ट्रिब्यूटरी होती हैं वो एक रिवर या स्ट्रीम होती है जो एक बड़ी रिवर से ज्वाइन करती है. ट्रिब्यूटरी ऑलवेज जॉइंस अ बिगर रिवर. जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं हमेशा बड़ी रिवर्स को ज्वाइन करती है. बिफोर इट फ्लोज इन टू द ओशियंस. जो ओशियन से, ओशियन में गिरने से पहले जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं जब एक बड़ी नदी के साथ जाकर मिलती हैं. द लैंड एरिया दैट इज़ फॉर्म्ड बाई द रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इज़ कॉल्ड अ रिवर बेसिन. वो लैंड एरिया, वो लैंड जो कि रिवर या उसकी ट्रिब्यूटरीज के सेडिमेंट्स ला के वो जिस एरिया उस लैंड में बिछा दिए जाते हैं और वहाँ पर लैंड एरिया बनता जाता है, तो ऐसे एरियाज़ को क्या कहते हैं? रिवर बेसिन कहते हैं. द थ्री मेजर रिवर ऑफ नॉर्थ इंडिया नेमली सतलुज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र हैव डिवाइडेड द नॉर्दर्न प्लेन्स इंटू थ्री मेन बेसिन्स. जो तीन मेन जो रिवर हैं इंडिया की वो हैं सतलुज, गंगा और ब्रह्मपुत्र. ये नॉर्दर्न और नॉर्दर्न प्लेन्स को तीन बेसिन्स में डिवाइड करती हैं. ये कौन कौन से बेसिन हैं? द सतलुज बेसिन, द गंगा बेसिन एंड द ब्रह्मपुत्र बेसिन. तो ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं इनको तीन में डिवाइड किया है, तीन बेसिन्स में, द सतलुज बेसिन, द गंगा बेसिन एंड द ब्रह्मपुत्र बेसिन. Now we will read about the Satluj Basin. Bias is the main tributary of Satluj River in India. India में जो Satluj River है और जो Bias है वो इसकी main tributary है. It flows towards southwest and joins the River Indus in Pakistan. तो ये जो है साउथ वेस्ट की ओर बहती है और पाकिस्तान में जो इंडस रिवर है वहाँ पर जाके ये मिल जाती है. द रिवर फाइनली फ्लोज इनटू द अरेबियन सी. जो रिवर है बाद में अरेबियन सी में जाके बह जाती है. द भाखड़ा डैम इज़ बिल्ट ओवर द सतलुज रिवर. जो भाखड़ा डैम है ये सतलुज रिवर के ऊपर बनाया गया है. द डैम इज़ यूज टू जनरेट पावर यूजिंग हाइड्रल एनर्जी. इस डैम में जो पानी से बिजली बनाते हैं.
The main crop grown in this region are rice, wheat, cotton and sugarcane. जो main crop है यहाँ पर उगाई जाती हैं वो है चावल, गेहूँ, कपास और गन्ना. The important cities of this basin, basin को हिंदी में घाटी कहते हैं. जो इस घाटी के जो main cities वो कौन कौन सी हैं? लुधियाना, जलंधर एंड अमृतसर इन पंजाब. पंजाब में लुधियाना हो गई, जलंधर हो गई और अमृतसर. एंड अम्बाला इन हरियाणा, और हरियाणा में अम्बाला जो है वो इस बेसिन की जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं. अब हम पढ़ेंगे पंजाब के बारे में. जियोग्राफी क्या है पंजाब की? द स्टेट इज़ बॉर्डर्ड बाय हिमाचल प्रदेश ऑन द ईस्ट. जो स्टेट है ये पंजाब का, ये ईस्ट में हिमाचल प्रदेश से घिरा हुआ है. हरियाणा ऑन द साउथ एंड साउथ वेस्ट. साउथ और साउथ वेस्ट में हरियाणा है इसके. एंड राजस्थान ऑन द साउथ वेस्ट, और साउथ वेस्ट में राजस्थान भी है. चंडीगढ़ इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा. जो चंडीगढ़ है वो पंजाब और हरियाणा की कॉमन कैपिटल है. हैंस इट इज़ एडमिनिस्टर्ड सेपरेटली एज अ यूनियन टेरिटरी. इसलिए इसको जो एज अ यूनियन, अलग से यूनियन टेरिटरी से रूल किया जाता है. बाकी तो स्टेट्स हैं, उनकी स्टेट्स क्या होते हैं? जहाँ पर वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है वहाँ के लोग चुनते हैं. जबकि यूनियन टेरिटरीज में सीधा जो रूल होता है वो प्रेसिडेंट का होता है या उसके एडमिनिस्ट्रेटिव्स का होता है. सो पंजाब वाज डिवाइडेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947. 1947 में इंडिया के पार्टीशन के बाद पंजाब को दो हिस्सों में बांट दिया गया. आधा पंजाब, कुछ पंजाब जो था वो पाकिस्तान में चला गया और कुछ पंजाब जो था वो इंडिया में रह गया. इन 1966 पंजाब वाज डिवाइडेड इनटू थ्री न्यू स्टेट्स इन इंडिया. 1966 में जो पंजाब को तीन नए स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया, वो स्टेट कौन कौन से थे? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड प्रेजेंट स्टेट ऑफ पंजाब, जो आज का हरियाणा है जहाँ पे हम रहते हैं. एक हो गया हिमाचल प्रदेश और जो आज का जो प्रेजेंट स्टेट है पंजाब. इन तीन स्टेट्स में 1966 में इसको डिवाइड कर दिया गया. यहाँ के लोगों की ऑक्यूपेशन क्या है? द स्टेट इज़ वेरी फर्टाइल विद मैनी रिवर्स फ्लोइंग थ्रू इट. क्योंकि स्टेट जो है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी रिवर्स जो है वो फ्लो करती है, इसलिए ये इस स्टेट की जो सोइल है काफ़ी फर्टाइल है, काफ़ी उपजाऊ है. एग्रीकल्चर इज़ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री. जो मुख्य व्यवसाय है, जो मेन इंडस्ट्री है वहाँ की, वो है एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी. इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट इन इंडिया. इंडिया में सबसे ज़्यादा वीट जो है पंजाब में प्रोड्यूस किया जाता है. राइस, सुगरकेन, मेज़, बार्ले एंड मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन इंडिया, ग्रोन इन पंजाब. कई जो है, जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, शुगर केन हो गया, मेज़, बार्ले और कई जो फ्रूट्स और वेजिटेबल हैं वो पंजाब में उगाई जाती हैं. अदर इंडस्ट्रीज इंक्लूड टूरिज्म एंड इंडस्ट्रीज दैट मैन्युफैक्चर्स साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, ट्रैक्टर्स एंड अदर मशीन्स. सो इसके अलावा, एग्रीकल्चर के अलावा यहाँ पर कई और इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे कि टूरिज्म इंडस्ट्रीज हो गई और मैन्युफैक्चर्स साइंटिफिक जो इंस्ट्रूमेंट, जो साइंस में इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं वो बनाए जाते हैं यहाँ पर. ट्रैक्टर्स बनाए, मैन्युफैक्चर किए जाते हैं और दूसरी जो मशीन्स हैं वो भी यहाँ पे बनाई जाती हैं. कल्चर कैसा है? पंजाब हैज़ द मैक्सिमम सिख पॉपुलेशन. पंजाब में ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो सिख है. द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ हिंदूज. बाकी जो हैं वो हिंदूज हैं. द मेन रिलीजन फॉलोइंग हियर इज सिखिज़म. जो मेन रिलीजन है यहाँ पे वो सिखिज़म है. हिंदुइज़म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम आर आल्सो प्रैक्टिस्ड इन सम एक्सटेंट. कई जगहों पे जो हिंदुइज़म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम जो है वो भी रिलीजन पाया जाता है. द मोस्ट कॉमन लैंग्वेज स्पोकन इज़ पंजाबी. जो सबसे ज़्यादा कॉमन लैंग्वेज है वहाँ पर बोली जाती है वो है पंजाबी. द लैंग्वेज इज़ रिटन इन द गुरमुखी स्क्रिप्ट. जो लैंग्वेज होती है वो गुरमुखी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, लिपि में लिखी जाती है. द पीपल ऑफ पंजाब लव म्यूज़िक एंड डांस. पंजाब के लोगों को म्यूज़िक और डांस बहुत ज़्यादा पसंद है. देयर भांगड़ा इज़ वेरी पॉपुलर फोक डांस इन इंडिया. उनका जो भांगड़ा है पंजाब वालों का, वो इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है. अब यहाँ की ड्रेस कैसी हैं? ड्रेस
The traditional dress of Punjabi woman is colorful three piece dress. जो traditional dress होती हैं जो Punjabi woman की, वो three colorful piece की dress होती है जिसको सलवार, कमीज और दुपट्टा कहते हैं, which is worn around the neck. और दुपट्टे को neck के चारों ओर पहनते हैं. The dress of Sikh men is कुर्ता पजामा. जो वहाँ के Sikh men हैं वहाँ उनका जो main dress है, जो traditional dress है, वो है कुर्ता पजामा. All Sikh men wear a pagri and their footwear called jutis is popular throughout the country. जो जितने भी सिख लोग हैं ये अपने सिर पे पगड़ी पहनते हैं और उनके एक फुटवियर है जिनको जूती कहते हैं, ये सारी कंट्री में पॉपुलर है. अब बात करेंगे हम पंजाब के फेस्टिवल्स की. द मेजर फेस्टिवल्स आर गुरु नानक जयंती, लोहड़ी, तीज, गुरुपुरब और बसंत पंचमी. जो मेजर फेस्टिवल है यहाँ के, जो गुरु नानक जयंती है, लोहड़ी है, तीज है, गुरुपुरब है और बसंत पंचमी है. अदर हिंदू फेस्टिवल्स लाइक दशहरा एंड दिवाली आल्सो सेलिब्रेटेड. जो दूसरे फेस्टिवल्स हैं जैसे कि दशहरा हो गया, दिवाली हो गया, ये भी यहाँ पर सेलिब्रेट किए जाते हैं. टूरिस्ट प्लेस कौन कौन से हैं. द पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट आर द गोल्डन टेम्पल एंड जलियांवाला बाग एट अमृतसर. जो मेन टूरिस्ट स्पॉट है यहाँ पर वो है गोल्डन टेम्पल जिसको स्वर्ण मंदिर भी कहते हैं, और जलियांवाला बाग अमृतसर में है. ये भाखड़ा नंगल डैम एशिया सेकंड हाईएस्ट डैम. जो एक दूसरा है भाखड़ा नंगल डैम जो कि एशिया की सबसे दूसरा सबसे हाईएस्ट डैम है. चंडीगढ़ द वेल डिज़ाइंड कैपिटल बाय ली कॉर्बुज़िए. एक चंडीगढ़ है जिसको हम जो कि कैपिटल है पंजाब की और हरियाणा की, ये भी बहुत अच्छी तरह से डिज़ाइन की हुई राजधानी है जिसने इसने ये जो था ली कॉर्बुज़िए, ये आर्किटेक्चर था, ब्रिटिश आर्किटेक्चर था, उसने ये डिज़ाइन की थी. एंड खन्ना एशियाज बिगेस्ट ग्रेन मार्केट. और एक है खन्ना, एशिया की सबसे बड़ी ग्रेन मार्केट, अनाज मंडी जो है वो खन्ना है. अब हम पढ़ेंगे हरियाणा स्टेट के बारे में. सो जियोग्राफी क्या है. द स्टेट इज़ बॉर्डर्ड ऑन द नॉर्थ बाय पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश एंड ऑन द साउथ एंड वेस्ट बाय द राजस्थान. जो स्टेट है ये पंजाब, नॉर्थ में पंजाब है इसके, और हिमाचल प्रदेश है साउथ में, और राजस्थान है वेस्ट में. द रिवर यमुना defines its eastern border with Uttarakhand. जो river यमुना है उत्तराखंड में east के border में, जो ये river यमुना जो है इसको join करती है, and उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश को. हरियाणा also surrounds Delhi on three sides. तीन ओर से ये दिल्ली से घिरा हुआ है हरियाणा. forming the northern, western and southern borders of the Delhi. इन borders को northern, western और साउदर्न बॉर्डर कहते हैं दिल्ली का. चंडीगढ़ इज़ द कैपिटल ऑफ हरियाणा. चंडीगढ़ जो है वो हरियाणा की कैपिटल है और पंजाब की कैपिटल है, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं. द नेम हरियाणा मीन्स द अबोड ऑफ विष्णु. हरियाणा का मतलब है कि जो विष्णु का घर, फ्रॉम संस्कृत, मतलब हरि मीन्स द हिंदू गॉड विष्णु. हरि का मतलब है जो विष्णु गॉड है हिंदू का. एंड हरियाणा का मतलब है होम, मतलब हरी का घर. इट मे ऑल्सो रेफर टू द लश ग्रीन लैंडस्केप ऑफ द स्टेट. इन संस्कृत हरित मीन्स ग्रीन. ये इसको दूसरी ओर कहेंगे कि यहाँ पे हरियाली काफ़ी होती है और इसलिए भी इसको हरियाणा कहते हैं. अब यहाँ के लोगों की ऑक्यूपेशन क्या है. एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन. जो खेती बाड़ी है लोगों का मुख्य व्यवसाय है. द स्टेट इज़ कंसीडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट इन इंडिया. जो ये जो स्टेट है हरियाणा, ये इसको इंडिया का सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट माना जाता है. इट इज़ कंसीडर्ड एज द डेट्रॉइट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया. इसको नॉर्दर्न इंडिया का डेट्रॉइट, ये एक सिटी का नाम है, ये भी कहा जाता है. इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग, कार्स,
मोटरसाइकिल, टेक्सटाइल्स एंड पेपर मिल्स आर लोकेटेड इन दिस स्टेट्स। जैसे कि ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होगी, जैसे कार की हो गई, मोटरसाइकिल की हो गई, टेक्सटाइल की हो गई, पेपर मिल्स की हो गई, ये स्टेट में लोकेटेड है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ के लोगों के कल्चर के बारे में। दिस इज़ वेयर वेद व्यास रोड द महाभारत। ये वो प्लेस है जहाँ पर वेद व्यास ने महाभारत लिखी थी। कुरुक्षेत्रा वेयर द एपिक बैटल बिटवीन द कौरवाज एंड पांडवाज वाज फोर्ट। और एक यहाँ पर है सिटी है कुरुक्षेत्रा, जहाँ पर कौरवों और पांडवों के बीच में लड़ाई जंग लड़ी हुई थी। ये भी हरियाणा में सिचुएटेड है। पीपल फ्रॉम दिस स्टेट आर कॉल्ड हरियाणवीज। इन लोग इस स्टेट के लोगों को हरियाणवीज कहा जाते हैं। एंड दे स्पीक हरियाणवी। और ये लोग क्या बोलते हैं? हरियाणवी बोलते हैं। पंजाबी एंड हिंदी आल्सो स्पोकन। पंजाब यहाँ पर इस स्टेट में पंजाबी और हिंदी भी बोली जाती है। तो यहाँ के लोगों की ड्रेस कैसी है? द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ वुमेन कंसिस्ट ऑफ डायमंड एंड एंकल लेंथ फ्लेयर्ड कलरफुल स्कर्ट कुर्ती, अ शर्ट लाइक ब्लाउज एंड अ चुंदेल, अ लेसी पीस ऑफ क्लोथ टू कवर द हेड एंड ड्रॉन इन फ्रंट लाइक अ पलू। एक ट्रेडिशनल ड्रेस है जो कि ड्रेस है जो कि वुमेन पढ़ती हैं। ये होती है एक डैम होती है, एक एंकल लेंथ फ्लेयर्ड कलरफुल स्कर्ट होती है, कुर्ती होती है, एक ब्लाउज होता है एक शर्ट की तरह, एंड अ चुंदेल, चुंदेल होते हैं एक क्लोथ होता है, कपड़ा होता है, जिसको हेड पे चुनरी की तरह या जैसे पल्लू की तरह ढकने में काम में लगाया जाता है। मैन वियर धोती विच इज़ टकल बिटवीन द लेग्स। मैन जो होते हैं हरियाणा के, वो लगभग मोस्ट कॉमनली वो धोती पहनते हैं जो कि टांगों के बीच में से होके इसको बांधा जाता है। कुर्ता एंड पगड़ी द ट्रेडिशनल हेड गियर। और जो कुर्ता हो गए ये और पगड़ी हो गए एक ट्रेडिशनल हेड गियर है यहाँ पे। फेस्टिवल्स कौन कौन से हैं? लाइक इट्स नेबरिंग स्टेट्स दिल्ली एंड पंजाब, पीपल ऑफ हरियाणा टू सेलिब्रेट लोहड़ी, होली, तीज, दिवाली, दशहरा एंड बसंत पंचमी। क्योंकि ये जो दिल्ली हो गए और पंजाब हो गए, इसके नेबरिंग स्टेट है, इसलिए हरियाणा के लोग भी लोहड़ी, होली, तीज, दिवाली, दशहरा एंड बसंत पंचमी मनाते हैं। टूरिस्ट प्लेस कौन से हैं? द पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट आर सूरजकुंड, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी, कलेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड पिंजौर गार्डन। जो पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट हैं वो हैं सूरजकुंड, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी है और कलेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। सो दिस वाज अबाउट द सतलुज बेसिन। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।